Hello everyone and welcome back once again in the sessions of partnership accounting. हम लोग change in profit sharing ratio वाला chapter cover कर रहे हैं. जो theoretical point of view से था वो सब कुछ मैंने आपको already पिछली कुछ videos में समझा दिया है. आज मैंने आपको कुछ typical practical questions करवाने हैं. देखो, मैंने आपके सामने सबसे पहले बुक प्रेजेंट की है कि मैं जिस बुक में से करवा रही हूँ वो एपीसी पब्लिकेशन की डीके गोयल, राजेश गोयल एंड शैली गोयल के द्वारा लिखी हुई ये अकाउंटेंसी की बुक है. और आज हम इसी बुक के जो ये फर्स्ट पार्ट है, वॉल्यूम वन है, इसमें से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ क्वेश्चन करेंगे. सो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है. गाइज, आपकी स्क्रीन पे कुछ फ्लैश हो रहा है. आई होप कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. सो मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चन, मैं आज आपको 35th क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि पेज नंबर 3.72 पर है. और क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio 3:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2017 is as under. आपको तीन partners के बारे में बता रखा है. तीनों partners की जो profit sharing ratio है वो बता रखी है और आपको balance sheet दे रखी है. देखो, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ होता है उसकी बैलेंस शीट में पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड रिजर्व की कैटेगरी में आ रही हो. देखो, अगर ध्यान से देखो तो हमें लाइबिलिटीज साइड पर ये जनरल रिजर्व नाम की एक चीज दे रखी है जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स की कैटेगरी में आती है. क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि इसका करना क्या है, लेकिन अभी हमने हाईलाइट कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ, इसको कुछ ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी. एसेट साइड पे किसी तरीके का कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है. अब देखो बहुत ही ध्यान से कि हमें बैलेंस शीट के बाद जो बाहर एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो क्या दे रखी है. फ्रॉम 1st April 2017 द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:3. ये है आपकी ओल्ड रेशियो और जो ये दे रखी है आपको, ये है आपकी न्यू रेशियो. अब देखो, मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स. हमने सबसे पहली एडजस्टमेंट्स क्या करनी है. सबसे पहली एडजस्टमेंट है, प्रिमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10% एंड स्टॉक बाय 10,000. देखो बहुत ही ध्यान से, प्रिमिसेस हमने एप्रिशिएट करना है. एप्रिशिएट वर्ड डेप्रिशिएट के बिल्कुल ऑपोजिट है. डेप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू कम हो जाना होता है, लेकिन एप्रिसिएशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट हो जाना, यानी कि वैल्यू बढ़ जाना. तो हमारा मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, यहां पर हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है. और इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट को हम कहां शो करते हैं, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर शो करते हैं. इसका मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड आपको दे रखी है. ठीक है, अब देखो, स्टॉक बाय ₹10,000. जब भी आपको रुपीज की फॉर्म में कोई एडजस्टमेंट दे रखी हो और वो एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट्स से रिलेटेड हो, तो यहां पर एक वर्ड टू या बाय जरूर चेक करना है. जब बाय दिया हुआ हो तो जो आपको यहां फिगर दे रखी है उसी से हमने एडजस्टमेंट देनी होती है. लेकिन जब टू वर्ड साथ में लिखा हुआ हो और एसेट की एक लाइन डिस्क्रिप्शन हमें दे रखी हो, तो हमें जो फिगर बैलेंस शीट में दी हुई होती है और जो फिगर हमें यहां दे रखी होती है, उनकी कंपैरिजन कर पता लगाना पड़ता है कि इंक्रीमेंट हो रही है या डिक्रीमेंट हो रही है. आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. अब देखो, अब मैं आपको ये क्वेश्चन आगे बताऊंगी कि हमें क्या दे रखा है. देखो, हमें आगे क्वेश्चन दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 4%.
इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 4% क्रिएट करने हैं। मतलब फिर से ये हमारा लॉस बता रहे हैं कि हो सकता है कि 4% डेटर्स हमें पैसा ना दें। तो इसका मतलब हमने इस 4% को कहाँ शो करना है, अपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर शो करना है। क्रेडिटर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 15,000, इसका मतलब ये जो 15,000 हमें यहाँ दे रखा है ये क्या है, ये रिडक्शन हमारे लिए फायदा है और फायदों को हम रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, मशीनरी को हमने 5% कम करना है। गुडविल जो है उसे 48,000 हमने वैल्यू करना है। अगर आपने ध्यान दिया हो बैलेंस शीट को देखा था जब मैं दिखा रही थी आपको क्वेश्चन, तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमें एसेट साइड पर कोई गुडविल अपीयर नहीं हो रही थी। इसका मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ये वैल्यूएशन की गई है सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट करनी है। और आपको मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था कि जब इस तरीके से वैल्यूएशन दी हुई हो, आपको बैलेंस शीट में ना दी हुई हो कोई पुरानी वाली बैलेंस शीट जो सॉरी गुडविल, अगर पुरानी वाली गुडविल कोई बैलेंस शीट में दी होती है तो वो ओल्ड रेशियो में बटती है, लेकिन यहां पर अगर हमें गुडविल ये जो दी हुई है इसे हमेशा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की जो हम एंट्री करते हैं उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट इसकी करनी है। अब देखो बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन में क्या क्या बनाने के लिए कहा गया है। मैं आपको लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने ये बात आपको समझाई थी, बता चुकी हूं मैं ऑलरेडी आपको कि हमें जर्नल एंट्रीज बहुत ही कम आती हैं, लेकिन अगर हमें सीधा पोस्टिंग करनी आती है, अगर हमें सीधे ये अकाउंट्स बनाने आते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो हमें जर्नल एंट्री कर देखनी पड़ेगी वर्किंग नोट्स में, फिर उसके बाद हमें ये खाते बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। एक और मैं आपको सजेशन दूंगी, अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, अगर बुक नहीं है तो काइंडली वीडियो को रिवाइंड कीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को जरूर समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी क्वेश्चन को समझने में, तो इसलिए क्वेश्चन का सामने होना बहुत जरूरी है। ये मैंने बाकी का पोर्शन पढ़ा था और ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन जो पढ़ा था, जो समझाया है आपको, वो कुछ इस तरह से है। तो देखो अब मैं मूव ऑन करूंगी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है, मैंने लिखा भी है, ये क्वेश्चन नंबर 35 है और पेज नंबर 3.72 पर ये क्वेश्चन है। देखो मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो रीवैल्यूएशन में कौन कौन सी एडजस्टमेंट थी। सबसे पहली थी प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, और प्रीमिसेस हमें बैलेंस शीट में दिए हुए थे 3 लाख, तो ये देखो मैंने 10% कर दिया और प्रीमिसेस को 30,000 क्रेडिट साइड पर, बिकॉज इट इज एन इंक्रीज इन एसेट, तो मैंने उसे शो कर दिया। उसके बाद देखो स्टॉक को भी एप्रिसिएशन वाले में ही लिखा हुआ था बाय 10,000, तो मैंने स्टॉक को भी क्रेडिट साइड पर बाय 10,000 शो कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट पेज मैंने आपको बताया था 73 पेज, उस पे आपको स्टार्टिंग में लाइन बताई थी 4% का हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। हमारे पास जो डेटर्स का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था वो दिया हुआ था 2.5 लाख, 2,50,000। जब हम 2,50,000 का 4% करेंगे तो ये 10,000 हमारे पास आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट पड़ी थी वो एडजस्टमेंट थी सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिड्यूस्ड बाय 15,000, तो ये मेरा फायदा था, इसलिए मैंने अपने इस फायदे को रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर शो कर दिया। अब देखो बहुत ही ध्यान से, अगली एडजस्टमेंट जो मैंने बोली थी वो थी मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, और मशीनरी थी कितनी, मशीनरी थी 1,80,000, 1,80,000 का 5% कर दो, कैलकुलेट कर देख लो जल्दी से, नहीं तो सीधा दिमाग लगा लो भाई 10% जो है वो होता है 18,000, आधा करना है तो 9,000, सीधा हमारे पास 5% निकल आया। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको लास्ट जो एक एडजस्टमेंट थी वो गुडविल से रिलेटेड थी, और गुडविल वाली यहां रिवैल्यूएशन में नहीं आती है,
तो इसलिए हम बैलेंसिंग करेंगे। जब बैलेंसिंग करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट निकलेगा 36,000 का, जिसे हमने थ्योरी में पढ़ा है रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में बांटते हैं, और ओल्ड रेशो 3:2:1 थी, तो इसमें बांट देंगे, कुछ इस प्रकार से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब देखो बहुत ही ध्यान से, हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिसका परफॉर्मा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जनरली डेट कॉलम को स्किप कर दिया जाता है, बाकी लेजर अकाउंट्स की तरह ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बना दिया जाता है, ठीक है। तीन पार्टनर्स थे तो मैंने तीन कॉलम तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बना लिए। अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमें बैलेंस दिए हुए थे 3 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख, मैंने रिस्पेक्टिवली हर पार्टनर का बैलेंस उतार दिया। अब देखो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जनरल रिजर्व पर टिक लगा लो, इसे हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व की कैटेगरी में आ रहा है। हमें क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी, तो हम मानेंगे कि जनरल रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, तो इसे बांट दिया। अब मैंने जर्नल एंट्री नहीं कर दिखाई है आपको, क्योंकि मैंने पहले आपको समझाई हुई है कि ये कुछ इस तरह से बटती है, और जब बटती है तो ये क्रेडिट साइड पर आती है। कैसे बटती है ये, क्या एंट्री होती है, आपको समझाई थी मैंने कि जनरल रिजर्व का वैसे क्रेडिट बैलेंस होता है, जब हम इन्हें राइट ऑफ करने लगे हैं तो इन्हें डेबिट कर दो। इसका मतलब जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई फिक्स्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखो बहुत ही ध्यान से, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि टू लिखा हुआ आया है, क्या पोस्ट हो रहा है, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि जनरल रिजर्व यहां क्यों आया है, यहां क्यों नहीं आया, और इस प्रकार से क्यों आया है, क्योंकि इसे हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ठीक है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला था, ठीक है। जब आपको मैंने पहले क्वेश्चन समझाए थे या पहली वीडियोस बताई थी, तो उसमें बताया था क्रॉस उतारते होते हैं, ये पार्टनर्स को मिलने वाली चीज है। तो ये देखो 18, 12 और 6 जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, उसे मैंने यहां उतार दिया बाय रीवैल्यूएशन, यानी कि प्रॉफिट 18, 12 एंड 6, जिसके अकाउंट में जितना अमाउंट आना था वो मैंने उसके कॉलम में लिख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने रीवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट भी दे दी, मैंने जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट भी दे दी, मुझे गुडविल की ट्रीटमेंट देनी है, और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जब इस तरह से गुडविल दी हुई हो तो हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर्स के बेसिस पर एंट्री पास करते हैं। तो ये देखो मैंने कैलकुलेशंस कर ली हैं, ये ओल्ड रेशो और न्यू रेशो का फॉर्मूला लगाकर मैंने कैलकुलेशन की, ठीक है। ओल्ड रेशो इतनी थी, न्यू रेशो इतनी थी, ये कुछ इस प्रकार से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ए का हमारे पास सेक्रीफाइस निकल रहा है, बी का भी सेक्रीफाइस निकल रहा है, और सी का गेन निकल रहा है -4/30। अब देखो बहुत ही ध्यान से समझना कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। देखो इसकी जर्नल एंट्री ये है, एडजस्टमेंट फॉर दी एंट्री ऑफ गुडविल, या एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। सी का गेन निकल रहा था, हमने क्या पढ़ा है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो 48,000 हमें गुडविल दे रखी थी क्वेश्चन में, जो वैल्यू की गई थी, और ये था सी का गेन, ये था ए का सेक्रीफाइस, और 1/30 था बी का सेक्रीफाइस। तो मैंने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर्स के अकॉर्डिंगली डिवीजन कर दी, तो 6400 सी में आ गया, 4800 ए में आ गया, और 1600 बी में आ गया। अब बहुत ही ध्यान से इसकी पोस्टिंग समझना, क्योंकि कई बच्चे इसकी पोस्टिंग में गलती कर देते हैं। देखो सी की डेबिट साइड पर दो चीजें क्रेडिट में है, इसका मतलब मैं पहले सी की डेबिट साइड में पोस्टिंग करूंगी 2A एंड 2B, लिखा क्या आएगा, जो A के सामने अमाउंट वो, जो B के सामने अमाउंट है वो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2A's कैपिटल अकाउंट 2B's कैपिटल अकाउंट, ये किसके अकाउंट में किया मैंने, C की डेबिट साइड में। देखो C की डेबिट साइड में लिखा आ गया 2A 2B, एक बार भूल जाओ कि A और B आपको दिए हुए हैं, एक बार इन्हें भूल जाओ, ठीक है। तो C की डेबिट साइड में ये दोनों चीजें
पोस्ट हो गई, ठीक है। ए के सामने ए वाली अमाउंट आ गई, बी के सामने बी वाली अमाउंट आ गई। अब बहुत ही ध्यान से समझो, हम डेबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्टिंग कर चुके हैं, अब हमने क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पोस्टिंग करनी है। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पोस्टिंग करें तो बाय सी लिखा हुआ आना चाहिए, अगर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्टिंग करें तो भी बी बाय सी लिखा हुआ आना चाहिए। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी, हम बाय सीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, लेकिन इस बार याद रखना इकट्ठा टोटल, कहीं ये मत सोचना कि यहां 6400 है तो हम टोटल 6400 लिख देंगे। याद रखना सी ए को अलग से दे रहा है, बी को अलग से दे रहा है, तो जितना सी ने ए को दिया है वो 4800 ए वाले कॉलम में आएगा, जितना उसने बी को दिया है वो 1600 बी के कॉलम में आएगा। तो कुछ इस तरह से गुडविल की जर्नल एंट्री की एडजस्टमेंट जो हम करते हैं वो एडजस्टमेंट एंट्री यहां पास की जाएगी, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन यहां पर लगभग कंप्लीट होने वाला है, अब हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम बैलेंसिंग करेंगे जिस तरह से हम लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ये साइड ऐड करो, यहां माइनस करो, देखो इधर बैलेंसिंग फिगर निकल रही है। बिल्कुल इसी तरीके से बी की टोटलिंग करो, इधर बैलेंसिंग फिगर निकल रही है, सी की टोटलिंग करो तो भी इधर ही बैलेंसिंग फिगर निकल रही है। तो ये हमारे बैलेंस सीडी निकल रहे हैं। आपको मैंने क्या समझाया था, ये बैलेंस सीडी डेबिट साइड पर है, लेकिन जब हम बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी में उतारेंगे तो वो क्रेडिट वाले बैलेंस बनते हैं, इसीलिए लाइबिलिटीज को हम सॉरी कैपिटल को हम लाइबिलिटीज वाली साइड पर शो करते हैं, ठीक है। ये जब आपको पहले कैपिटल अकाउंट्स मैंने समझाए हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में, बेसिक कंसेप्ट्स में, तब आपको ये चीज मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी थी, ठीक है। तो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि दो चीजें हम बना चुके हैं, अब हम बैलेंस शीट समझेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी। देखो प्रिमिसेस थे, प्रिमिसेस बढ़े थे तो मैंने ऐड कर दिया, मशीनरी कम हुई थी तो मैंने माइनस कर दी, स्टॉक बढ़ा था तो मैंने ऐड कर दिया, डेटर्स पर डाउटफुल डेट्स बने थे तो वो रिड्यूस हो गए, कम हो गए, 2.5 लाख के थे ना, 10,000 की प्रोविजन बनी थी तो इसलिए 10,000 कम हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से मैं अगर यहां पर देखूं तो मेरे पास कैपिटल के नए बैलेंसेस निकल आए, क्रेडिटर्स मुझे फायदा हुआ था, कम भरपाई करनी है तो मैंने कम शो कर दिए। बैंक एक ऐसी चीज है जिसका यहां पर कोई किसी भी आइटम की कोई भी इस पर असर नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए बैंक जैसा था वैसे का वैसा ही मैंने लिख दिया एसेट साइड पर। और जब हम टोटलिंग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। आपको ये रूल तो पता ही है कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल बराबर आना चाहिए। तो आई होप गाइस कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। आई रिपीट इट अगेन कि अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 को रीड आउट करेंगे कि ये क्या है। देखो एस टी यू एंड वी इस बार हमें फोर पार्टनर्स दिए हुए हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2:1 दे रखी है। 1 अप्रैल 2016 को उनकी बैलेंस शीट की पोजीशन कुछ इस प्रकार से थी, हमें फिक्स्ड एसेट्स बता रखे हैं, करंट एसेट्स बता रखे हैं, कैपिटल्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं लाइबिलिटीज साइड पर, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, और मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सारा डिटेल में समझा के हटी हूं। आपको लास्ट वीडियो में ये सारा का सारा कंसेप्ट समझाया था, लास्ट वीडियो में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व समझाया था और उससे पहले वाली वीडियो में आपको WCR के बारे में बताया था। अब देखिए फ्रॉम दी अबव डेट यानी कि इसी 1 अप्रैल 2016 को पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो अपनी फ्यूचर प्रॉफिट जो हैं वो 3:1:4 की रेशो में डिवाइड करेंगे। देखो है तो वही फिगर्स लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो गई हैं, ठीक है। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है ना कि गुडविल की वैल्यूएशन दी हुई है,
इसका मतलब इसे कैसे ट्रीट करेंगे, इसे फिर से वही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करेंगे। आपको ओल्ड रेशियो भी पता है, आपको न्यू रेशियो भी पता है, आप सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर्स कैलकुलेट कर फिर इसकी एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है। पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर दी फॉलोइंग, अब पार्टनर्स ने और क्या डिसीजन लिया है, द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 70,000। अब देखो, अब याद करो आपको मैंने क्या बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा का जब क्लेम आ जाता है तो जो एक्स्ट्रा है वो हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बन जाती है, और इसीलिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में समझा है डेबिट साइड पर शो करते हैं, तो इसे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो ये एक्स्ट्रा 10,000 हमें सहना पड़ रहा है उसे हम रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर एज अ लॉस एज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी शो करेंगे। सेकेंड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू एडजस्ट दी कैपिटल्स ऑफ दी पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाई ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझने की। देखो, हमें एडजस्टमेंट्स करने के बाद पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली, और एडजस्टमेंट इस तरह से करना है कि किसी का भी अगर कोई सरप्लस या डेफिसिट निकल रहा है, मतलब ज्यादा बैलेंस आ रहा है या कम आ रहा है, तो उसे हमने पार्टनर्स के करंट अकाउंट ओपन कर एडजस्ट कर देना है। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है। देखो, बनानी तीनों वही चीजें हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें नए दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को समझेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है, समझेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने पहले वर्किंग नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अब वर्किंग नोट्स ध्यान से समझिएगा कि क्या है। एक सबसे पहला वर्किंग नोट्स तो वही है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला, जो ऑलरेडी मैं आपको समझा के अभी अभी हटी हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रिजर्व है 60,000 का, क्लेम आया है 70,000 का, 10,000 बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर निकल रही है जो कि लॉस है। इसके लिए हम किसको डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, एक बार सिर्फ एक इस एंट्री के बेसिस पर, क्योंकि रिवैल्यूएशन में और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो देखो इसके बेसिस पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, हम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 रुपीज का जो वो लॉस था वो यहां शो करेंगे, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है रिवैल्यूएशन की, तो यही 10,000 क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर बनाएगा लॉस वाली। इस लॉस को 10,000 को हम 4, 3, 2 और 1 की रेशो में बांटेंगे, तो देखो 10 ही टोटल बन रहा है, तो आसानी से निकल आएगा 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000, ठीक है। यहां तक ये समझ में आ गया होगा। अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमें गुडविल दी हुई थी और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि हम गुडविल को गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। तो देखो, गुडविल 90,000 दी हुई थी, ये ओल्ड रेशो दी हुई थी आपको, ये न्यू रेशो दे रखी थी आपको, ठीक है। अगर हम सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करें तो देखो बहुत ही ध्यान से, जो एस है ये था ना, एस टी यू एंड वी, अगर एस है तो एस के पास पहले शेयर था 4/10, अब है 3/10। इसका मतलब सीधा देखने पर पता चल रहा है कि एस इज सेक्रीफाइसिंग बाय 110, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम टी का कैलकुलेट करें तो पहले 3/10 था, अब 1/10 है, इसका मतलब सेक्रीफाइस कितना है, 2/10। यू की पोजीशन में कोई तरीके का चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है, लेकिन वी को गेन हो रहा है 3/10 का। तो कुछ इस तरह से एस टी यू वी की हमारे पास गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर्स निकल आएंगे और हम गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एडजस्टमेंट कर देंगे। और इस बार मैं आपको नहीं समझाऊंगी कि इसकी पोस्टिंग किस तरह से होगी, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन में आपको समझा चुकी हूं।
ठीक है। अब देखो बहुत ही ध्यान से हम समझेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा। दो ही चीजें हैं, एक गुडविल है और एक रिवैल्यूएशन का लॉस है जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की वजह से अराइज हुआ था। तो देखो लॉस जैसे प्रॉफिट था क्रॉस उतरा था, लॉस भी क्रॉस उतरेगा। लॉस इस बार क्रेडिट साइड में था तो पार्टनर्स के कैपिटल की डेबिट साइड में उतरेगा। तो ये मैंने रिवैल्यूएशन लॉस लिख दिया, ठीक है। आप देखो बहुत ही ध्यान से, ये मैंने गुडविल की एंट्री पोस्ट कर दी। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया हुआ है कि किस तरह से आई है, ठीक है। वी कैपिटल अकाउंट डेबिट था, 2S and 2T था तो 2S and 2T लिखा हुआ आ गया, और बाय वीज कैपिटल एस में एस का शेयर आ गया और टी में टी का शेयर आ गया। आई होप कि यहां तक का ये पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जो हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर सेकंड थी जिसमें लिखा हुआ था कि हमने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली। अब देखो बहुत ही ध्यान से आपने करना क्या है, टोटल कैपिटल निकाल लो आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स। मतलब हमने ये एडजस्टमेंट की है, ये दो एडजस्टमेंट्स की हैं, और इधर से ये एक लाइन है हमारी और ये है। तो एक बार इसका टोटल निकालो कितना है, 2,09,000। इसमें से सिर्फ ये 4,000 माइनस कर दो क्योंकि यहां तो कुछ है ही नहीं है, मैंने सिर्फ यहां तक की एक बार ट्रीटमेंट देनी है। तो मेरे पास बैलेंस कितना निकल आया एस का, 2,05,000। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेट करोगे टी का, तो टी का ये टोटल है 168, इसमें से सिर्फ ये 3 माइनस होगा तो 165 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यू का कैलकुलेट करोगे तो वो 1,00,000 है, 1,00,000 में से 2,000 जाएगा तो 98,000 आ जाएगा। वी का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये दो चीजें अगर ऐड होंगी, सॉरी यही 50,000 ही है क्योंकि इसको तो हमने कंसीडर ही नहीं करना। 50,000 अगर हम कंसीडर करते हैं जिसमें से ये तीनों चीजें अगर माइनस हो जाती हैं तो वी का जो बैलेंस है वो 22,000 निकल रहा है। टोटल ऑफ द कैपिटल कितना आ गया, 4,90,000। मतलब जो नई फर्म होगी उसकी टोटल कैपिटल 4,90,000 होगी। एस टी यू वी इन चारों का नई कैपिटल, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली शेयर निकाल दो कितना बनेगा। नई रेशो के अकॉर्डिंगली जब हमने शेयर निकाला तो ये एस, ये टी, ये यू और ये वी, जो ये हमारे पास निकलेंगे ये नए बैलेंस सीडी निकलेंगे। और बैलेंस सीडी हम कहां लिखते हैं, हम यहां लिखते हैं डेबिट साइड पर बैलेंस सीडी। तो यहां मैंने लिख दिए, बस इसके बाद और कुछ नहीं करना। जिस साइड पर जो बैलेंसिंग फिगर निकलती है आप वो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, जो निकलेगी बस उसका करंट अकाउंट नाम आगे लिख देना है। जैसे मैंने एस की बैलेंसिंग की तो इस साइड पर ही 58,000 बैलेंसिंग फिगर निकल रहा था तो वो 2S करंट अकाउंट लिखा हुआ आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैंने टी की बैलेंसिंग की तो टी की भी जो बैलेंस है वो डेबिट साइड पर ही 1,16,000 बैलेंसिंग फिगर निकल रही है, उसको टी का करंट अकाउंट नाम लिख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम यू की कंपैरिजन करेंगे तो यू में कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि 1,00,000 और 1,00,000 टोटल बराबर बन रहा है। अगर वी की कैलकुलेशन करेंगे तो देखो वी की जो कैलकुलेशन है वो इधर की तरफ बैलेंसिंग फिगर दिखा रही है तो 174 यहां पर करंट अकाउंट इसका शो कर देंगे। आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब फिर से देखो मैंने इस क्वेश्चन में आपको ये शो कर दिखाया है कि जो बैलेंस सीडी यहां होता है उसे हम बैलेंस बीडी क्रॉस उतारते हैं। अब क्योंकि ये बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड वाला है तो इसलिए हमें इन्हें लाइबिलिटीज साइड पर शो करना होता है। आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमने बैलेंस शीट बनानी है, हमने बैलेंस शीट बनानी है। हम बैलेंस शीट बनाएंगे लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, ये दो एसेट्स हमें दिए हुए थे बैलेंस शीट में। हमने इनके बैलेंस को कुछ भी नहीं किया है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं थी, तो इसलिए इनके जैसे बैलेंस थे हमने बिल्कुल वैसे ही इनके ये बैलेंसेस लिख दिए हैं।
कैपिटल अकाउंट्स जो मेरे पास आए थे नए वाले बैलेंस सीडी मैंने वो लिख दिए। टोटल मुझे पता है कि मैंने 4,90,000 को ही बांटा था, तो आप चाहे टोटल कर देख लीजिए, नहीं तो आप शॉर्टकट में भी जल्दी से पता लगा सकते हो, क्योंकि 4,90,000 को ही हमने बांटा था, तो इट्स ऑब्वियस कि इन सबका टोटल भी 4,90,000 ही बनेगा। ठीक है, आप देखो क्रेडिटर्स हमें दे रखे थे वो 80,000 आ गए। जो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने जब जर्नल एंट्री आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी तो वो टू साइड पर थी प्रोविजन, प्रोविजंस का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो 70,000 की प्रोविजन हमने अभी पे नहीं किया वो क्लेम, तो वो हमारी लायबिलिटी है, इसलिए उस 70,000 को हम यहां पर शो करेंगे। अब बहुत ही ध्यान से समझना कि करंट अकाउंट्स जो हमारे पास निकले थे, इस करंट अकाउंट को लायबिलिटीज के वाले में आप कैपिटल के नीचे भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, मैंने यहां पर एंड में आपको समझाने के लिए इन्हें एंड में रखा है। करंट अकाउंट जिसका जिस साइड पर निकला था, देखो कैपिटल अकाउंट्स में जिसका जिस साइड में निकला था, इसका इस हैंड में निकला था, तो हमें बैलेंस शीट के इस हैंड में ही 174V का लिख देना है। इन दोनों का, एस का और टी का, डेबिट वाली साइड पर मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले में निकला था, और हम लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड को शो करते हैं, तो इसलिए इनके करंट अकाउंट्स को हमने यहां पर शो कर देना है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो गाइज आप चाहे वर्किंग नोट्स में करंट अकाउंट के लेजर अकाउंट्स बनाकर देख लीजिएगा, उनके बैलेंस बीडी इन दोनों के क्रेडिट में ही उतरेंगे, और इसका जो बैलेंस सीडी होगा वो डेबिट में, सॉरी बीडी जो होगा वो डेबिट में उतरेगा, इसीलिए वी के करंट अकाउंट को एसेट साइड में लिखा गया है और एस और टी के करंट अकाउंट को लायबिलिटीज साइड में लिखा गया है। इस तरह से आप टोटल करोगे, जब आप टोटलिंग करोगे तो आप देख सकते हो कि हमारी बैलेंस शीट का टोटल जो है वो बराबर आ रहा है। आई होप कि आपको आज मैंने ये दो क्वेश्चंस जो करवाए वो समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। याद रखिए मैंने आपको आज सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस करवाए हैं जिनमें हमने वैल्यूज ऑल्टर करनी होती हैं हमारी फाइनेंशियल अकाउंट्स की। मतलब मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन अभी नहीं करवाया है जिसमें हम अपनी बुक्स की वैल्यूज को ऑल्टर ना करना चाहते हों, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, दो क्वेश्चंस थे, टिपिकल थे, समझ आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर रही है लेकिन मुझे यकीन है कि ये आपको फायदा जरूर देगी। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।